एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममता तनुज ब्लॉग। तो गाइस, ये नाश्ता से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं भुनी हुई थी चूड़ा नाश्ता में, यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे चूड़ा बना दी हूँ। देखिए, नमकीन, अनार, चूड़ा, हरी मिर्च डाल के, प्याज, और यहाँ पे गाइस बना ली हूँ चाय, और यहाँ पे तनुज के लिए खालसी नमकीन। तो मैं चल रही हूँ नाश्ता देने। तो गाइस, मैं अब चल रही हूँ जी खाना बनाने, और मैं खाना के रेडी कर ली हूँ। और आज है सैटरडे, तो लिट्टी चोखा बनाना था, तो लिट्टी तो नहीं बन पाया, लेकिन उस सत्तू का पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बना दी हूँ जी सत्तू, और यहाँ पे गूँथ ली हूँ आटा, और यहाँ पे गाइस बन गया है बैगन का ये है चोखा, और यहाँ पे कट कर दी हूँ सैलेड, और यहाँ पे पीस के रखी हूँ हरा लहसुन की चटनी। तो मैं चल रहा हूँ अभी इसको फ्राई करने चटनी का, उसके बाद गैस बनाएंगे पराठा। और थोड़ी सी मेरी तबीयत हो गई है ख़राब, तो मैं चल रही हूँ ये बनाने, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो गैस मैं यहाँ पे डाल दूँ थोड़ा सा तेल, और इसमें ज़रा सा जीरा डाल दूँगी। अब इसमें डाल दूँगी चटनी, सब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, पता है गाइस ऐसे चटनी बनाने से ना आप चाहे तो कितना दिन भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, पहली बात ये। और दूसरी बात ये होती है कि ये कच्चापन नहीं लगता, जो हम लोग लहसुन ऐसे पीस के खाते हैं तो थोड़ा कच्चा कच्चा सा लगता है ना, इसमें नहीं लगेगा। और दूसरी कि आप कई दिनों तक भी रख सकते हो फ्रिज में, नहीं ख़राब होएगा। लेकिन भाई देखो, हमारे यहाँ ये कई दिन नहीं चलेगा, आप चाहो तो रख सकते हो बना के, तो ख़राब नहीं होता वैसे, और ये ऐसे सबको पसंद भी आता है हमारे यहाँ। तो ज़्यादातर हम लोग लहसुन की चटनी ऐसे ही बनाते हैं, और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो गाइस अभी ये लगभग हो ही गया है तैयार, पिछली बार बहुत ज़्यादा सूख गया था पानी इसका, तो अच्छा नहीं लग रहा था, अलग अलग हो गया था। अब इसको मैं यहीं तक रहने दूँगी, देखिए इतने अच्छे कलर आया है ना। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, और मैं अब चल रही हूँ बनाने पराठा, तो मैं दिखाऊंगी फ्रंट कैमरा से।
गाइस, मैं तो अभी खाना वाना बना ली, लेकिन खाने वाला भी कोई आया ही नहीं, कहीं गए हुए लोग बाहर। तो मैं अभी आई हूँ यहाँ पर बैठने के लिए। गाइस, थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, तो जुकाम वगैरह हो गया है और थोड़ा सा फीवर भी था हल्का दिन में, तो मैं तभी दवा ववा खाई थी आज, थोड़ा ठीक है मैं। तो गाइस देखिए, ये आ गया कांच, मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों से। यहाँ पर देखिए गाइस, टूट गया था ना ये वाला कांच, तो आ गया। इस बार व्हाइट कलर का आया, पर पिछले वाला कांच में ये वाला दिख नहीं रहा था, अंदर वाला जो फ्लावर लगाया गया था, लेकिन इसमें दिख रहा है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और पता है गाइस, ये वाला ना बहुत ही मोह लग रहा था उस दिन, टूट गया था तो, लेकिन अब ये वाला आया है तो लग रहा है कि चलो मतलब अब अच्छा लग रहा है ये देखने में। नहीं तो पहले फ्लावर ही वाला हम लोग डाले थे अंदर, तो पता ही नहीं चलता था कि डला है कि नहीं, मतलब नहीं दिखता था। अब देखिए दूर से भी इतने सुंदर दिख रहा है, आप लोग बताइएगा, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब ये हटा था तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसके अंदर से, इसमें से बहुत ही प्यारा लग रहा था। इधर आओ ना, इधर आओ। घूम के ऊपर चला जाता है और एक पर्सन पूरा तबाही मचा देता है। चलो चलो, तबाही बाद में मचाना, खाना खाने चलो पहले। कैसा लगा तनुज? अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा। ज्यादा नहीं। तो जाओ अब सोने जाओ। कुन्ना चलो जाओ अब सोने। गुड नाइट। हाँ आओ, फ्रेंड सबको भी बोल दो, इधर आओ। गुड नाइट। अच्छा से बोलो गुड नाइट। और यहाँ पे अभी तनोज का तेल लग रहा था, लाइट बंद कर दो, तेल था वहाँ पे। बाय बाय गाइस, और मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और इस ब्लॉग को प्लीज आप लोग जरूर पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा लोग गाइस, मेरे चैनल को अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो। ये टूटे क्या, बाय बाय गाइस।